तो और मेरे भाई क्या हाल चाल है यार। स्वागत है आपका इस कोर वीडियो के अंदर। तो आई होप सभी बढ़िया होंगे और कोरोना से बचे होंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है यार, आपके सामने स्क्रीन पे पिक आ ही रही है, तो चलो इसको एडिट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड ले आना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर और इसको करने लेना है रीसाइज, ठीक है। तो इसका रीसाइज करने के लिए सबसे पहले मैक्सिमम नंबर कोई भी चूज़ कर लो, उसको सेलेक्ट करेंगे। जब हम रीसाइज करेंगे तो ये अपने आप बता देगा कि इससे मैक्स नहीं हो पाएगा, तो हमें उतना कर लेना है यार, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या करते हैं, हमारा मॉडल का PNG है जो खुद का, वो लेकर आते हैं हम। चलिए लेके आते हैं। तो अब इसको एडजस्ट कर लेना, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको और इसको रोटेट करके लगा देता हूँ लेफ्ट साइड पे। तो थोड़ा सा ऊपर और जूम थोड़ा सा इतना थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे। अब इसको कर लेते हैं रोटेट। अब गाइस सिंपली यहाँ से हम एडजस्ट करके थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं 10। और अब हम ऐड करते हैं एक हैंड का PNG है मेरे पास। तो आपको सभी लिंक है जो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे PNG और बैकग्राउंड के। तो इसको कोई एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्रॉप करना और स्क्रीन पे फिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ब्लर कर देना है हैंड को, इफेक्ट में जाके वहीं पे कर देना है और इसको डन नहीं करना तब उतनी देर तक। इसका रख देते हैं हम 5 रख देते हैं। तो अब आपको स्टिकर में जाना है। स्टिकर में जाने के बाद आप क्या करना है कि एक स्मोक का PNG होगा, ब्लैक स्मोक वहाँ पे आपको लिख देना है और ब्लैक स्मोक का PNG आपको यहाँ पे ले आना है। तो इसके लिए आपको नेटवर्क की जरूरत होगी, तो नेट ऑन कर लेना है यहाँ से। अब हम चलते हैं सीधा स्मोक का PNG लेने, स्मोक ब्लैक स्मोक PNG, ठीक है। PNG तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बट सिंपली ऐसे लिख देना स्टिकर के अंदर तो मिल जाएगा। तो ये वाला चूज़ कर लेते हैं और इसको सिंपली डाउनलोड करके एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको ले चलते हैं नीचे। और इसकी थोड़ी सी हम ओपेसिटी कर देते हैं कम और इसको कर देते हैं मूव डाउन। इसकी ओपेसिटी रखेंगे 50 के अराउंड, 75 रख के देख लेते हैं पहले, अगर ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो बाद में 50 कर देंगे। तो कल की तरह ही यार, मास्क पहन के रखो, खुद को सैनिटाइज करते रहो यार। देखो कोरोना बहुत बढ़ चुका है, फिर से मैं कोरोना पे भाषण देने लग गया यार, पता नहीं क्या है मेरे को। तो बस इतनी सी बात है यार कि कोरोना से बचे रहो, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको 50% रख दिया। अब यहाँ से सिंपली इसको डन कर देते हैं, इसको चलते हैं ड्रॉ टूल में और ड्रॉ टूल में जाके इसको करते हैं सेव और इसको लेके चलते हैं हम लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो इसको ले आए हम लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पर इसकी करेंगे एडजस्टमेंट, तो इसका थोड़ा सा हाईलाइट्स कम कर देंगे, जो हमारा वाइट है वो कम कर देंगे, ब्लैक थोड़ा बढ़ा देंगे और जो हमारा कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ब्लैक्स इतना रख लेते हैं और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब इसके बाद कलर टूल में चलते हैं और चलते हैं HSL टूल में, वाइब्रेंस को बढ़ा के थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा देते हैं और चलते हैं अब HSL टूल। तो यहाँ पे ब्लू कलर को हम थोड़ा सा कर देते हैं इस साइड नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव या माइनस साइड, ठीक है। तो अब इसका ग्रीन का सैचुरेशन बिल्कुल माइनस, क्योंकि ग्रीन कलर ही नहीं है पहली बार। अब स्किन का कलर थोड़ा सा सैचुरेशन भी बढ़ा देते हैं यार, ल्यूमिनेंस भी बढ़ा देते हैं। और येलो कलर में तो ये कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, पर ल्यूमिनेंस बढ़ा देते हैं इसके बीच में, इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा पर पता नहीं बाद में पड़ जाए। तो तभी कलर थोड़ा सा आपको सेट कर लेना है यार। अब सिंपली हम यहाँ से सेटिंग करने के बाद इसको कर देते हैं डन और अब हम चलते हैं क्लैरिटी बढ़ाते हैं इसकी। सबसे पहले तो सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा दें, क्लैरिटी बढ़ा दिए और विनेट को कर दिए माइनस। और उससे पहले हम चलते हैं ग्रेडिंग टूल में, यहाँ से हम फर्स्ट शेडो कर लेते हैं ब्लू और जो हमारी हाइलाइट्स है उसको कर लेते हैं हम येलो। तो इसमें एक लक्सी टोन आ जाएगी और अच्छा भी दिखने लग जाएगा, आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये देखिए गाइस कुछ अलग ही इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ से लुमिनस वगैरह को हम सेटिंग करेंगे, इसको रख लेते हैं 35 और इसको रख लेते हैं 65 के राउंड और इसको हम रख लेते हैं 5 के, ठीक है। तो यहाँ से अब सिंपली डन कर देते हैं और हम चलते हैं क्लैरिटी विग्नेंट थोड़ा कर देते हैं यार इसको, तो थोड़ा सा विग्नेंट और इसका मिड पॉइंट है वो जम और थोड़ा फैदर। अब इसके बाद हम चलते हैं ड्रॉ टूल के अंदर जो हमारा फर्स्ट लेयर है, तो आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने करना है हमारा डोज एंड पन। तो आप पेन का साइज जो है वो एडजस्ट में रख सकते हैं, तो मतलब जितना आपको रखना आप उतना रख सकते हैं। यहाँ से हम सिंपली अब ड्रॉ करते हैं, तो साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, तो सबसे पहले ब्राइटनेस करके देख लेते हैं कि कैसे दिखेगा, ठीक है। तो वो इजीली हमें पता लग जाएगा ना। तो अब सिंपली इसका जो साइज़ है बहुत बड़ा है, तो इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करेंगे हम,
थोड़ा सा छोटा, काफ़ी छोटा हो गया, तो इतना सही है। तो अब इसको सिंपली हम शर्ट शर्ट पे ड्रॉ करते हैं। तो कुछ इस साइड जहाँ से यार आपको लाइटनिंग आती दिखाई दे, सिंपली ये तो बताऊँ कहाँ पे होता है, बाजू पे होता है और शर्ट के बीच बीच में होता है, ठीक है, जहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो इसी साइड होता है यार मेनली सभी। और बाकी जहाँ पे आपको लाइटनिंग आती दिखाई दे आप थोड़ी थोड़ी वहाँ पे कर देना। तो इससे क्या है कि यार एक अच्छा इफेक्ट आता है, जो पिक है वो यार काफ़ी रियलिस्टिक लुक देती है यार, मतलब एकदम रियल लगता है क्योंकि वहाँ से लाइटनिंग आती होती है। तो यहाँ से अब थोड़ा थोड़ा कॉलर पे भी कर देते हैं और थोड़ा हमारे जो नेक को और थोड़ा फेस पे भी इसको कर देते हैं यार, ताकि ये पूरा एकदम रियल लगे, ठीक है। तो इसको डन करने के बाद तो आपने अगर मेरे पास पहले आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को, तो यार क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारा भाई रोज कंटेंट ला रहा है यार, तुम लोग सब्सक्राइब करो यार। ऐसी एडिटिंग रोज आपको सिखा दूंगा, खुद मेरे जैसा कर दूंगा भाई, मैं भी बेकार हूँ बिल्कुल, आपको भी बेकार कर दूंगा। तो यार आज की पिक हो चुकी है डन यार, प्लीज भाई सब्सक्राइब चाहिए हमको, हमको सितंबर से पहले 1K गोल कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक करिए वीडियो को, हमारी पिक हो चुकी है बिल्कुल डन। आप भी चाहिए PNG बैकग्राउंड डाउनलोड कीजिए और पिक करिए सेम टू सेम एडिट। तो हम मिलते हैं आपको अगली ऐसे कोर वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो के नीचे कमेंट करो, अगर कोई कमी पेशी है तो वो भी कमेंट में जरूर बताओ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।